चार साल पहले आया था, मैंने ये कीर्तन का मतलब बताया था, पता नहीं तुम लोग याद है कि नहीं। यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदस्य था, महा भगवान जीव गोबर में कृपा करके कहता अपना धाम और अपना भक्तों को लेकर के जगत में है। बोले क्यों आए? बोले अत्यंत दुर्लभ प्रेम परिवार था, कहते अत्यंत दुर्लभ प्रेम को देने के लिए आए। बोले दुर्लभ प्रेम किया है? बोले जो प्रेम को ब्रह्मा शंकर नारद उद्धव लक्ष्मी जिस प्रेम के लिए वो भी लालायित है, वो भी इच्छा करते हैं, वो प्रेम को महाप्रभु जगत में देना चाहते हैं। बोले वो प्रेम मिलेगा कैसे? वो मिलेगा कैसे? कहते तभी ये प्रेम मिल सकती है। तो अगर जीवन में छह चीज को अगर तुम लोगों ने अपना लो, छह चीज को, बोलो वो छह चीज क्या है? आज मैं बोलूंगा, कल आप सुनो, ठीक है? आज मैं बोलूंगा कल आप सुनूंगा, ठीक है? ध्यान देकर सुनो। पहला नंबर है धन्य। धन्य मतलब होता है दीनता। जैसे कोई पात्र चाहिए ना, जैसे कोई दूध घी कोई चीज रखने के लिए कोई पात्र चाहिए ना, पात्र के बगैर तो उसमें कोई चीज रह नहीं सकती है। कहते प्रेम को धारण करने के लिए कोई पात्र चाहिए, ये तो पात्र क्या है? बोले ये छह चीज है, ये छह चीज। बोले पहला नंबर क्या है? बोले दीनहीन भाव आना चाहिए। अहंकार आने पर प्रभु का भक्ति कर ही नहीं सकते हो, दीनहीन भावना आनी चाहिए। महाप्रभु कहते ना त्रिनादपि सुनिचेना तररपि सही सुनना अमानी ना मान देन कीर्तनिया सदा है। बोले तभी हम हर समय हरि कीर्तन कर सकते। बोले कब? बोले चारी गुणे गुणी हरिया करह कीर्तन। बोले चार गुण में गुणी बनना पड़ेगा। बोले पहला किया है? बोले त्रीन मतलब घास से भी ज्यादा नीचे। सब चलते हुए चाहो ना घास के ऊपर पैर रखो तो ना सर तो नीचा हो जाता है, लेकिन पैर जब उठाओ ना फिर सर ऊंचा हो जाता है। बोले नहीं उससे भी दीनहीन बनो। बोले पेड़ से भी ज्यादा सहन शक्ति हो, इसलिए कहते ना जो सहे सो रहे, जो ना सहे ना सहे। इसलिए भक्ति जगत में सहन शक्ति की बड़ी जरूरत है। अगर बात बात में क्रोध आ जाए, बात बात में गुस्सात्मक आ जाए, मचल जाओ, फिर मन तो चंचल रहेगा, भक्ति कहाँ से करेगी? भक्ति तो तभी कर सकते हो जो मन तुम्हारी शांत हो। अशांत मन से भक्ति नहीं कर सकते, इसलिए क्या होनी चाहिए? कहते पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु। जैसे आप जा रहे हो रास्ता में, धूप जेठ की महीना है, जेठ की महीना है, देखा बड़ी तपी हुई गर्मी है, देखा कि पेड़, बोले नीचे बैठने के लिए कुछ नहीं कहे ना, टहनी अगर तोड़ करके नीचे आसन करके बैठ गया वैसे दिखना, लेकिन जब उसका टहनी अगर तोड़ दिया, वो कहीं बोलता है तुमने मेरा हाथ पैर को तोड़ दिया,
इसलिए हम तुमको बैठ छाया नहीं देंगे, तो कभी बोलते हैं इसे नहीं, कभी वो छाया दे देते हैं, छाया दे देते हैं। रास्ता में जा रहे हो, देखा आम का पेड़ बड़े सुंदर पक्का हुआ, आम खाया, पत्थर मारे मारे तो तुमने पेड़ को, लेकिन उसने क्या दे दिया, उसने फल दे दिया है, इसलिए उसका लकड़ी को जैसे यहाँ पर दरवाजा बनाए, कभी उसको जला करके रसोई बनाते, क्यों ना हर समय परोपकार परोपकार में आती है, हर समय परोपकार करती है। कहते वो वृक्ष से भी ज्यादा क्या होनी चाहिए, सही सहन शक्ति होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए, सबको मान दो, सबको मान देनी चाहिए है, और कभी मान की इच्छा मत करो, सबको मान दो, कभी अपना मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। ये चीज है ना बड़ा कठिन, जितने लड़ाई झगड़ा ना इसके लिए, हमें इज्जत मिला नहीं, उसको इज्जत मिल गया, उसको क्यों इज्जत मिला, हमें क्यों इज्जत नहीं। अब देखना प्राय करके ना अक्सर करके इधर आ गए, सामने आ गए, इसलिए अक्सर करके जगत में कहते जितने सब लड़ाई झगड़ा है ना, ये सब मान इज्जत प्रतिष्ठा है, इसको इसको लेकर के ना जगत में अक्सर करके सारी लड़ाई झगड़ा मान इज्जत प्रतिष्ठा ये चीज छोड़ना। इसलिए प्रभुपाद दुष्ट मन तुम्हें किस तरह वैष्णव, उसको व्याख्या करते हुए बोले दुष्ट मन तुम किस चीज की वैष्णव हो है, मतलब प्रतिष्ठा रे निर्जन अरे घरे तब हरि नाम केवल कहते, तुम सोच रहे हो ना निर्जन घर में बैठे हरि नाम करें, क्यों दुनिया में बहुत बड़ा बाबा है, लेकिन अंदर में देखो क्या, घर में क्यों चुपचाप बैठे हो, और दुनिया को पता चला हम कितना बड़ा साधु है, प्रतिष्ठा के लिए तुम बैठे हो, इसलिए वो कपट है उसमें, जो प्रतिष्ठा शब्द तो कितना बार उन्होंने प्रयोग किया, कहते हर चीज को, पत्नी को भी छोड़ सकते हो, घर बार भी छोड़ सकते हो, पुत्र परिवार सब छोड़ सकते हो, प्रतिष्ठा छोड़ना, और ये प्रतिष्ठा को लेकर के जितने सारे लड़ाई झगड़ा अशांति सारे प्रतिष्ठा को लेकर के, थोड़ी सी इज्जत हो गया नहीं, इज्जत में थोड़ी सी काम हो गया ना, बस आग लगा देते, हमें क्यों इज्जत नहीं मिला, हमें क्यों प्रतिष्ठा नहीं मिला, ये सारी गड़बड़ी है सब ये गड़बड़ी है। इसलिए कहते हैं खुद इज्जत मत मांगो, लेकिन सबको क्या करो, सबका सम्मान दो। वृंदावन दास ठाकुर तो ये कहते हैं जीवे सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सब जीव को आदर दो, क्यों सभी का हृदय में कौन बैठे, ठाकुर बैठे ना सबके हृदय में, ठाकुर जी बैठे ना, भागवत में तो बताया क्या स्कंद में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े कुत्ते गधे सूअर सबको प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो, बोले क्यों, बोले उसका हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं, ठाकुर जी उसका हृदय में बैठे हैं, इसलिए हमारे धर्म में सिखा देते ना भैया कि चींटी को भी आघात मत करो, चींटी को भी आघात मत करो है, इसलिए सभी का हृदय में परमात्मा रूप में भगवान सभी का हृदय में बैठे हुए, और कभी भी इज्जत की इच्छा मत करो है, इज्जत की इच्छा मत कर सके, अगर ये चार गुण आ गया ना बस, फिर तो तुमको भक्ति से कोई रोक नहीं सकते हो, फिर तो हर समय हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, फिर तो कोई डर भय नहीं, फिर धरना सब, क्योंकि इज्जत कोई इच्छा ही, हरिदास ठाकुर जी को, हरिदास ठाकुर जी क्यों वो 24 घंटा में 24 घंटा क्यों हरिनाम करते, कारण क्या, कोई इज्जत की जरूरत नहीं, कोई सम्मान किया नहीं किया, 22 बाजार में पिटाई भी हो गई उसकी, 22 बाजार पिटाई भी हो गई, लेकिन लास्ट में क्या कहते हैं जानते हो, बोले हमने अपराध किया, बोले क्या किया, बोले इन्हीं कारणों में भगवान की हमने बुराई से, इसलिए भगवान ज्यादा कोई कष्ट नहीं दिया, थोड़ी सी कष्ट देकर ठाकुर जी क्यों बुराई सुनाना कान में, लेकिन अगर हम लोगों को ऊपर थोड़ी सी भी कष्ट आ जाएगा, हमने इतना भजन किया इतने भक्ति की हाँ, भगवान ने हमारे ऊपर इतना कष्ट दिया, भले ही कुछ छोड़ो मत, वो पहले तो माला छोड़ देंगे, भजन ही पहले, सबसे पहले भजन छोड़ देंगे, मतलब ये भजन को छोड़ने के लिए ना पहले तैयारी हो, ये माला कब छूटे भजन कब छूटे है, इसको पहले आप तैयारी है, ये माला भजन हमसे कब ये छूट जाए है, ये अगर 16 माला करते हैं ना
और किसी तरह से सोलमला हो जाए ना, नमस्कार भैया और भैया प्राण प्राण छूट गई हमारी, प्राण चली गई छूट गई, अच्छा हो गया माला खत्म हो गया है, प्रणाम करके रख लेते हैं। इसलिए हरिदास ठाकुर को 22 बजे में पिटाई हुई, पिटाई होने के बाद वो क्या कहता है, भगवान थोड़ी सी दंड दे करके हमें छोड़ दिए, कल हमने कहीं गए थे तो एक छोटा बच्चा था उसको 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 बच्चा भजन करता है, इसको पिता कहीं भजन करते थे, थोड़ी जीवन में कष्ट आया, बोले हमने भगवान के भजन की, भगवान हमारे ऊपर इतना कष्ट दिया, बच्चे को बोलते खबरदार भजन भजन मत किया, भजन भक्ति मत करो, लेकिन इसका जो बच्चा है ना छुपा छुपा कर माला करता, कैसे माला करते जान तो बोलते कृष्ण नाम मत करो भले और दूसरे देवादेव की पूजा कर दो, वो एक माला में एक रुद्राक्ष माला और एक तुलसी माला लगा, जो पिताजी बोलते कौन सा माला, रुद्राक्ष माला माला की दिखाते, लेकिन उसमें तुलसी माला रखा हुआ, तुलसी माला से इसलिए भैया भक्ति है ना, हाँ इसलिए कहते भक्ति करने के लिए सबसे पहले ये गुण बताया, दैना दीनता आय सहन शक्ति आय भजन करने के लिए। देखो हरिदास ठाकुर ने इतने सहन किया है, इतने सहन किया तभी तो दुनिया में उसका नाम है, तभी तो नाम है ना, मीरा ने इतने सहन किए, सहन किए कि नहीं, सभी उनके परिवार के विरोध हो गए तभी तो जगत में देखो इतना नाम हो रहा है, तभी प्रहलाद ने इतना भजन किया तभी तो जगत में उसका नाम हो रहा है ना, है तभी तो नाम हो रही है, प्रभुपाद को मारने के लिए जान से कोशिश की, नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया तभी तो आप बोला नित्यानंद प्रभु मार खा कर भी प्रेम देने वाले, तभी तो दुनिया उनकी महिमा गा रहे ना, हाँ इसलिए उदाहरण देते हैं कुम्हार को देखा जो लोहे से अस्त्र बना था, देखे आप देखना वो लोहे को आग में देगा, देखे होंगे कि नहीं आग में, जब वो तप जाएगा ना निकलेगा, मारेगा उसको मार मार करके उसका खाद निकालेगा, फिर पानी में देगा, फिर उसको फिर आग में देगा, जब पूरा लाल हो जाए फिर निकालेगा, फिर पीटेगा, पीट 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 करके जितने सारे खाद भी निकालेगा, फिर उसको पानी में देगा, देखा है कि नहीं, मारते 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 सारी खाद निकाल देती है, वो इतना ताकत बन जाता है ना, लोहे लोहे को काटता है, लोहे लोहे को भी काटता है, हैं? इसलिए भगवान कभी क्या करते हैं, भगवान जब अपना प्रेम देने के लिए चाहते हैं ना, प्रेम देने के लिए चाहते हैं, भगवान खूब तपाते हैं, खूब पीटते हैं, मारते हैं, क्योंकि तुमको सही अस्त्र बनाना चाहते हैं। लेकिन गुरुदेव एक बात बोलते थे, बोले भगवान अभी हमारी परीक्षा ले नहीं, क्यों जानते हैं ये अभी साधक बनने का लायक है ही नहीं, अगर थोड़ी सी दुर्गो कष्ट दो ना जो थोड़ी रही से जो भजन है वो भी छोड़ देगा, इसलिए ठाकुर जी गुरु जी कहते थे, बोले अभी ठाकुर जी हमारी परीक्षा तो सुधी है, 22 गुरुदेव कहते थे हरिदास ठाकुर तो 22 बजे पिटाई हुई सबको सामने, अब देखना घर में अगर तुमको कोई अपमान कर ले तो तुम सहन कर लोगे, लेकिन बाहर पे करोगे, बाहर करोगे, बाहर अपमान सहन नहीं कर सकते हो, हैं बाहर अपमान सहन नहीं कर सकते हो। एक संत उदाहरण देते थे, कहते बंदर भी हैं, कहते पुरुष बंदर को ना अकेले कहीं, पुरुष बंदर को अकेले कोई थोड़ी सी ये दे दो, क्या बोलो उसको, डांट डरा दो वो सहन कर लेगा, लेकिन पुरुष बंदर को उसको पत्नी को साथ में थोड़ी सी धमकी दो वो भी सहन नहीं करता, इसलिए पत्नी को सामने कोई भी है, पत्नी को सामने कोई भी पुरुष अपमान सहन नहीं कर सकता, क्यों, फिर पत्नी का सहन करेगा तो घर में आएगा तो घर में बहादुर दिखा दो, बहादुर दिखा दो, बाहर में देखा तो कोई डांट लगा तो कुछ बोले नहीं चुप बोले, घर में तुम्हारी इतना बहादुर नहीं, इसलिए हरिदास ठाकुर को 22 बजार में पिटाई हुई, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने 22 बजार में पिटाई होने के बावजूद भी उन्होंने भगवान की भजन नहीं छोड़ी, भगवान की भक्ति नहीं छोड़े, भगवान की भजन है, इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते भैया भक्ति करने के लिए दीनता आनी चाहिए तुम्हारे अंदर में, दीनहीन भाव तुम्हारे अंदर में आनी चाहिए, दीनहीन हो गए तभी तो तुम सहन कर सकते हो ना, नहीं तो सहन नहीं करो, हम क्या इतना छोटे हैं, हम क्यों सहन करें, हम क्यों अपमान में क्यों हम सहन करें, हम सहन नहीं कर सकते, इसलिए कहते भक्ति करने के लिए पहले ये गुण तुम्हारे अंदर आनी चाहिए, इसलिए सहन
दैन, उसके बाद दैन आत्मनिवेदन है। आत्मनिवेदन मतलब भगवान के चरण में संपन्न रूप में शरणागत होना, अमित तुम्हार तुम्हें हमार की काज अपर धन प्रभु, मैं तुम्हारा हूँ और आप मेरे हो। दूसरे का दूसरी चीज में हमारा क्या मतलब है, इसलिए श्री भक्ति मनोहर ठाकुर क्या कहते हैं, बोले आत्मनिवेदन तू आपद करी आइनो परम सुखी, दुख दूर गेला चिंता रहिला चौधरी के आनंद देखी, अशोक निवेदन तुआ पद करी हरिनो परम सुखी, आपके चरण में मैं आत्म को अपना निवेदन करके समर्पित करके मैं तो सुखी हो गया, हाँ मैं सुखी हो गया। बोले क्यों सुखी हो गए हो, बोले तुम्हारे जो चरण में है ना अशोक अभय और अमृत, ये तीन चीज किसकी चरण में, जो भगवान की चरण, जहाँ पर शोक नहीं जहाँ पर भय नहीं जहाँ पर अमृत, तुम्हारी चरण में हरिनो आत्मनिवेदन तुआ भाई दुख दूरे गेल, जब आपके चरण में हमने शरणागत हो गया ना हमारे सारे दुख खत्म हो गया, दुख हमारी खत्म हो गया, चार तरफ में आनंद ही आनंद, इसलिए कहते ना जाग रखे साइया मार सके ना कोई, जब भगवान की शरण में शरणागत हो गया रक्षा करने वाले तो वही है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं, जिन्नी बालक राखे मेहतारी है, माँ को एक नाम दिया मेहतारी, मेहतारी किसको कहते हैं, जो ताटी पेशाब परीक्षा करता है ना उसको क्या बोलते हैं, मेहतर बोलते हैं ना, इसलिए माँ उदाहरण दिया, माँ को एक उदाहरण दिया क्योंकि बच्चे जो ताटी पेशाब करता है उसको साफ कौन करती है, माँ करती है ना, इसलिए उदाहरण जैसे माँ एक बच्चे को जैसे रक्षा करती है, आप बच्चा देखो कभी खाने पीने का सोचते हैं कभी, वो खेलता कूदता मस्त रहता है, क्यों जानता है मैं शरणागति माँ की शरण चरण में शरणागति हूँ, मेरे को तो खिलाने पिलाने में माँ है। जैसे बच्चा अगर दिन भर खेलते कूदते सो गया लेकिन भोजन किए बगैर सो गया, जब तक माँ बच्चे को खाना नहीं खिलाएगी खाना खा सकती है, खा लेती है, कोई बोलेगा अरे बच्चे को सो गया सोने छोड़ दो ना तुम भोजन कर लो, लेकिन माँ कभी भोजन करेगी नहीं, उठने पर भी जोर जबरदस्ती उठा करके मुंह में ठोस ठोस कर खिला करके फिर माँ जा करके सोती है, उसको पहले माँ नहीं सोती है, माँ तो चैन नहीं पड़ती है, इसलिए कहते हे प्रभु आपके चरण में हमने आत्मनिवेदन करके चार तरफ आनंद ही आनंद है, क्योंकि जिसको तुम रक्षा करते उसको कौन बिगाड़ सकता है, कोई बिगाड़ नहीं सकता है, है? आत्मनिवेदन की इतने महिमा बताए इतने भक्तियों का, तो कितने उन्होंने कीर्तन लिख दिए, सर्वस्व तुम्हार चरण सपिया अरे ची तुम्हार घरे तुम्हें तो अमार अमित तुम्हार की काज अपर ठाकुर जी, सब कुछ आपका चरण में उन्होंने सौंप दिया, सब सौंप दिया, अभी तू सब जान, हमें कुछ पता नहीं, हमें कुछ पता नहीं, तू जो कुछ करना तुम ही करो, हाँ आत्मनिवेदन देना आत्मनिवेदन गुप्त भरण कहते भगवान को क्या करनी चाहिए, भगवान ही एकमात्र हमारी पावन है, गुप्ता मतलब होता है पावन करता, भगवान ही एकमात्र हमारी पावन करता है, इसको पर में हमारी दृढ़ विश्वास होनी चाहिए, है विश्वास होनी चाहिए, रक्षी सदी विश्वास, और क्या होनी चाहिए, भगवान हमें रक्षा करेंगे, इसको पर भी हमारी पूर्ण विश्वास होनी चाहिए। देखो तो बोलना एक बात है लेकिन वास्तव रूप में जीवन में अपना रहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, हम तो बोल देते हैं ठाकुर जी रक्षा करने वाले पालन करने वाले, लेकिन जब समय आ जाए ना तो ठाकुर ठाकुर जी को भूल जाते हैं, भगवान को हम भूल जाते हैं ठाकुर जी को, हाँ बोल दिया ठाकुर रक्षा करेंगे, नहीं हमारा तो पैसा है हमारा पत्नी है पति है बच्चे है ये रक्षा करेंगे, हाँ बोल रहे हैं ठाकुर जी रक्षा करेंगे, देखा जाएगा ठाकुर रक्षा करेंगे, लेकिन सब खुद को खुद को पर संपूर्ण हमारी निर्भर निर्भर होता है,
लेकिन कहते नहीं, संपूर्ण रूप में ठाकुर जी के ऊपर में सब कुछ सौंप देनी चाहिए। और अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से विवर्जन, भक्ति का अनुकूल वस्तु को ग्रहण करो और प्रतिकूल चीज को त्याग देनी चाहिए। बस अगर छह शरणागति हो गई ना, बस जीवन हमारे ठाकुर मिल जाएंगे। ठाकुर जी को ताहार प्रार्थना में श्री नंद कुमार, अगर छह शरणागति होगी ना ठाकुर, जो कुछ बोलोगे ठाकुर हमारी बात को सुनेंगे ही ठाकुर। इसलिए भक्तिमान ठाकुर जी कीर्तन में क्या कह रहे हैं, धन आत्मनि वेदन गोत्रिते वरन I
चंद्राय राधिकाय इष्टदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण बोलो गुरुदेव की जय। हाँ, तो यहाँ पर किसने श्री प्रभुपाद को प्रश्न किया, उनका प्रश्न ही भक्तगण गृहे बा मठे की भावे थाकिबेन, कहते जो भक्त लोग है गृह भी हो और मठ में भी हो तो उनको कैसे रहनी चाहिए, उनका रहन सहन कैसे होनी चाहिए। तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं कि मठवासी भक्त कि गृहस्थ भक्त सकल ही बाहिरे विषय प्राय थाकिया अंतरे भक्ति निष्ठा राखिबेन। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, कहते कोई मठवासी भक्त हो नहीं तो कोई घर में भी हो कहीं भी रहे, महाप्रभु कहते गृह बा बने ते थाको सदा हरि बोली ठाको, गृह में रहो नहीं तो बन में रहो, हर समय क्या करनी चाहिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोले भक्ति कैसे करनी चाहिए, कहते विषय प्राय था कि अंतरे भक्ति निष्ठा राखी बेन। एक होता है विषय प्राय और एक होता है बोलो एक होता है विषय प्राय और एक होता है वैष्णव प्राय। बोले ये विषय प्राय और वैष्णव प्राय मतलब क्या होता है, कहते ऊपर में जैसे लगता है महा विषय घोर विषय है, लेकिन अंदर में जो अगर देखोगे भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। जैसे देखो भक्त प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, भरत महाराज, युधिष्ठिर महाराज, महाराज कहते हैं ना, लेकिन तो भागवत में इनकी कथा थी। सब बड़े बड़े महाराज है, बड़े बड़े महाराज है, महाप्रभु के समय में प्रताप रुद्र महाराज महाराज थे, लेकिन ऊपर में क्या दिखता था, जैसे ठाड़ बाड़ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठाड़ बाड़ में रह रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या, अंदर में भगवान की भक्ति करते थे, भगवान के भजन करते थे अंदर में, लेकिन ऊपर से लगते थे जैसे ये तो बड़े राजा ठाड़वाड़ में रहते हैं। हाँ, जैसे श्री जब पुंडरी की विद्यानिधि, नाम सुने ना पुंडरी की विद्यानिधि, जब पुंडरी की विद्यानिधि वृंदावन में आए, नवद्वीप में आए, हैं
नवद्वीप में आए, महाप्रभु जिनका नाम को लेकर के पुंडरी की बाप अरे बोल कर रो रहे थे, पुंडरी की बाप, क्योंकि ये पूर्व जन्म में ये वृषभानु महाराज थे, वृषभानु महाराज वही उन्होंने महापुल्ला में पुंडरी के बन करके आए, जो गदाधर कौन है, राधा रानी। अगर उनको पता चले कहीं अगर वैष्णव आया है, वो जरूर संतों का दर्शन करने जाते थे। वो जानते हैं गंगार पर सहले पश्चात पावन और दर्शन पवित्र कर यही तुम्हार गुरु, गंगा को स्पर्श करने से पवित्र होता है और संतों की दर्शन से पवित्र हो जाते हैं। जैसे पुंस अखनो सवितुर जथा, जैसे सूर्य उदय होने पर सारे अंधकार दूर हो जाती है, भक्त दर्शन से हृदय की अज्ञानता दूर हो जाती है, हैं? इसलिए बड़े एक दिन मुकुंद बोले एक बहुत बड़ा वैष्णव आया है, दर्शन करने चलो। बोले चलो साधु दर्शन कर ले चलो। उनको ले गए, जब ले गए हे भगवान ऊपर से इतने भोगी हैं, क्या उनको 4-5-6 तकिया लगा हुआ, हाँ जो क्या बोलते जो गोल, हाँ क्या बोलते उसको मसल, हाँ लगा हुआ है और तकिया और पान खा रहे हैं, हैं और होठ लाल है, सामने शीशा में बार बार मुंह को देख रहे हैं और उनका जो केस है ना, एक क्या केस है, एकदम घुंघराली केस, एकदम काले काले रंग की और उसमें सेंट लगाए हुए, घर में घुसते ही पूरा सेंट सेंट घर में पूरा खुशबू है, हैं? और जो पीकदानी, कैसे पीकदानी, सोने की पीकदानी, और जो वस्त्र जो पहने हुए, वैसे तैसे वस्त्र नहीं, रेशमी, बड़े कीमती वस्त्र पहने हुए, रेशमी वस्त्र पहने हुए, 6-7 सेवक, कोई चामर भजन कर रहा है, कोई उनकी पंखा झुला रहे हैं, हैं? इसलिए बीच बीच में शीशा में अपना रूप को देख रहे हैं, ए महा जैसे घोर विषय लगता है, जैसे भक्ति भक्ति कुछ है ही नहीं, हैं? अभी साधारण लोगों का धारणा किया, जब साधु का दर्शन करने जाओ कैसे होता है, साधु दीनहीन कपड़े, हम वैसे दीनहीन पहने हुए होंगे और हरिनाम करते हुए, हाँ हरिनाम करते हुए होंगे, भगवान की भक्ति करते हुए, सबको पता है साधु संत जटा जुटधारी होगा, साधु संत साधारण कोई वैसे में होगा, लेकिन उसको तो देख करके गदाधर पंडित में जो भक्ति का भावना थी ना, हम संत दर्शन करने के लिए जा रहे, बोले कौन सा संत ले आए, ये तो महाविषय भोगी है, हैं? उनकी मन तो खराब हो गया, मुकुंद समझ गए इसका मन में तो भावना खराब आ गई। फिर उन्होंने एक सुंदर उनने श्लोक सुनाए, बोले अहो बकियम स्तन काल कोटम जिज्ञासया आपि अपि असाब्धि, उन्होंने ये श्लोक सुनाए, मतलब कृष्ण कितने दयालु, कृष्ण कितने कृपालु, पुतना जिनको स्तन में कालकूट जहर लेकर मारने के लिए आई थी, जो राक्षस सी बच्चों को खून पीने वाले, लेकिन ठाकुर ने क्या दिया, उनने केवल नाटक की तो ठाकुर जी उसको हैं धात्री चित्त गोलोक वृंदावन में स्थान दे दिया, कृष्ण कितने दयालु हैं। जब उन्होंने एक श्लोक सुनाए ना, ओ जो पुंडरी की विद्या निधि, वो जो महाविषय लग रहे थे, इतने में जो कृष्ण बोल करके ऐसे रोना रोने लग गए, बापरे कृष्ण रे बोल करके, जितने उनको रेशमी कपड़े को उन्होंने फाड़ रहे थे और जितने वहां पर तकिया थे ना प्यार से आघात सब फेंक रहे थे और रो रहे थे, ऐसे बिलग रहे थे कृष्ण नाम लेकर के, उनके शरीर में जितने प्रेम का लक्षण दिख रहा था ना, इसको देख देख करके बोले हे भगवान मैं तेरी के चरण में अपराध कर दिया, मैं तो सोच रहा था कोई महाविषयी भोगी, ये तो भगवान की परम भक्त हैं, मेरा तो अपराध हो गया, महाप्रभु के चरण में आकर के बोले प्रभु ऐसे ऐसे हो गया, बोले देखो जाओ उनका शिष्य बन जाओ, उनको मंत्र दीक्षा ग्रहण करो, क्योंकि जिससे मंत्र दीक्षा ग्रहण करते हो ना वो तुम्हारे पिता हो जाता है, वो माँ हो जाता है, हाँ बच्चे पिता माता बच्चे का अपराध को नहीं लेते हैं, लेकिन तो वृषभानु महाराज है ना, उनका ही तो बेटी राधा रानी है, हैं? वो तो गदाधर राधा रानी, फिर जाकर उनसे उन्होंने दीक्षा मंत्र लिए। इसलिए यहाँ कहते विषय प्राय, मतलब क्या है, भक्त लोगों को ऊपर से देखने पर लगता है हम बड़े ठाड़ बाड़ में रह रहे हैं, भक्ति भक्ति कुल नहीं, लेकिन अंदर में क्या है, भगवान के प्रति प्रेम की रस की धारा बहती है। कहते एक वैष्णवी प्राय, वैष्णव प्राय मतलब ऊपर से तो दिखते हैं बड़े वैराग्य जैसे, हैं बड़े दीन हीन वैराग्य, लेकिन अंदर में महाभोगी, अंदर में
महाभोगी, कहते ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, हैं? इसलिए बोले, इसलिए महाप्रभु कहते मरकट बैराग्य ना कर लोक देखाया। जब रघुनाथ दास को स्वामी महाप्रभु को बोले, प्रभु आपकी मुखार बिंद से कुछ उपदेश सुनना चाहता, मेरे कुछ उपदेश दो। महाप्रभु क्या बोले, भाल ना खाई बार भाल ना पड़ी बार, बढ़िया बढ़िया खाना नहीं, बढ़िया बढ़िया पहनना नहीं। बढ़िया बढ़िया खाने से क्या होता है, इंद्रिय तेज होगा, फिर विषय की तरफ में भोग भोग करने की वासना जगेगी, हाँ। कहते बढ़िया बढ़िया पहनोगे तो क्या होगा, बोले जो बढ़िया बढ़िया खाओगे वो अपना अमंगल करता है, लेकिन जो बढ़िया बढ़िया पहनता है ना वो अपना भी अमंगल और दूसरा की अमंगल करता है। बोले क्यों, बोले बढ़िया बढ़िया क्यों पहनते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए हैं। हम बढ़िया जो कपड़ा पहने करके रास्ता में चलते हैं, देखते हैं कौन देख रहा है कि नहीं, आज इतना बढ़िया हमने कपड़ा पहने के लिए आए, अभी आज कोई देख रहा है कि नहीं मेरे को, है कोई मेरे को देखता है कि नहीं, है। इसलिए कहते उसमें अपना भी अकल्याण, दूसरा का भी अकल्याण है। इसलिए भाल ना खाई बार भाल ना पड़ी बा, ब्रज राधा कृष्ण सेवा मानस गरिबा, हर समय ब्रज में राधा कृष्ण की सेवा मानसिक रूप में करना। और मरकट बैराग्य ना कर लोग देखाया, क्या बोलते हैं, बंदर, मरकट का बैराग्य मतलब बंदर का, बंदर तो देखे हो ऊपर में नंगे, जैसे साधु नंगे रहते पूरा नंगे, अपना कोई घर मकाना बनाया बंदर ने नहीं, जो मिल गया वही खा लिया, फल खाता है, हैं? नंगे धड़ंगे रहता है बंदर, लेकिन अंदर में बड़ा भोगी, बंदर बड़ा भोगी होता है, ऊपर से तो उन्होंने बंदर का वैराग्य, लेकिन अंदर में महाभोगी होता है। इसलिए जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, पर रहने कैसे चाहिए, ये शरीर निर्वाह के लिए कुछ जरूरत है। कहते भैया उसमें शरीर को ज्यादा भी मत दो, कम भी मत दो, हैं? अगर कम दोगे शरीर को, शरीर कमजोर हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, जितना भजन करते हो अगर शरीर कमजोर हो जाएगा तो दिन भर सोते रहोगे, पड़े रहोगे, माला कब करोगे। अगर ज्यादा ही अगर शरीर को देखे जाता विषय भोग की वासना आएगा तो मन इधर उधर भटकेगा, फिर भागेगा। इसलिए कहते हैं जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हो, या जितना जरूरत शरीर निर्वाह के लिए ग्रहण करो, और क्या करो, अनासक्त बगैर आसक्ति होकर के विषय को ग्रहण करो, भगवान को अर्पण करते हुए प्रसाद रूप में हर चीज को ग्रहण करो। बोले अंतर निष्ठा करो लोकवाज्य व्यवहार, क्या करो, अंदर में तो निष्ठा रखो लेकिन जो लोक का जो व्यवहार, बाह्य जो व्यवहार है उसको ठीक से रखो। ऐसे नहीं हम भगवान भजन करते हैं, पिता माता का आदर नहीं करते हैं, सारा दुनिया ये नहीं, अरे हम तो भजन करते हैं, हम किसको नहीं जानते, नहीं ऐसे नहीं। इसलिए श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ये बात को कब कह रहे हैं, महा जब रघुनाथ दास गोस्वामी बारम्बार सब छोड़ करके वापस आ जाते थे, हैं, और पिता माता क्या करते थे, जोर जबरदस्ती पकड़ कर घर में ले आते, छोड़ कर चले जाता है फिर पकड़ लेते हैं, तब महाप्रभु बोले देखो ज्यादा ऊपर मत दिखाया करो, हैं, हम बड़े बैरागी साधु बार बार भाग रहे हो पकड़ कर, ऐसे मत क्या करो। कहते अंतर निष्ठा करो, निष्ठा तो अंतर में रखो लेकिन बाह्य लोक व्यवहार, जो बाह्य जो लोक व्यवहार उसको सही रखो, हैं। और अचिरात कृष्ण तुम्हारी करीब है उद्धार, अगर ऐसे करोगे तो एक दिन भगवान जरूर तुम्हारी उद्धार करेंगे। इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं बाहिरे भक्त साजिया अंतरे विषय सकते, ऊपर में तो साधु है लेकिन अंदर में क्या है, विषय के प्रति महाभोगी है। ऊपर में साधु का रूप धारण किए लेकिन अंदर में विषय का प्रति बड़ा आसक्त है। और गृहासक्त, गृह में बहुत आसक्ति है, गृह के बगैर रह नहीं सकते, हैं, घर के बगैर छोड़ नहीं सकते। अर्थ में बहुत अर्थ में आसक्ति है, हैं, और प्रतिष्ठा में बहुत आसक्ति है। विषय है बनना, इसलिए प्रभुपाद कहते भैया ऊपर तुम वैराग्य है लेकिन ऐसे विषय मत बनो, हैं। इसलिए अंतर बाहर सम व्यवहार, जैसे बाहर है वैसे अंतर भी होनी चाहिए, अंदर में जैसे बाहर, वैष्णव को बाहर भीतर अंदर में अलग नहीं होनी चाहिए, जैसे ऊपर में हमें देखने में बाहर अंदर में भी ऐसे होनी चाहिए। ऊपर में एक दुख दिखा रहे अंदर में और कोई चीज को सोच कर बैठे हुए, ऐसे जीव का कल्याण नहीं होता है। इसलिए यहाँ कपटता एवं भीषण भक्ति बाधक, कहती है कपटता हो जाएगा, ये भक्ति की बाधक है, हैं?
इसलिए भक्त होने के लिए कहते अंतर बाहिर समय व्यवहार अमानी मान दब। भक्तिमोहन ठाकुर कहते भैया बाहर अंतर अलग मत बनो, जैसे बंसुरी है कि बंसुरी क्यों बजती है, इसमें दो गुण है, क्या गुण है, अंदर में पोला है, अंदर में पोला है, और कृष्ण जैसे चाहते हैं वैसे बजती है, तभी तो बजती है ना। इसलिए क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर में भी पोला पूरा खोला होनी चाहिए, हृदय में कोई कपटता नहीं होनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कपट कपट व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता है, इससे तो पशु पक्षी कीड़े मकोड़े रख लेना सही है। इसलिए कपट कभी हृदय में धारण नहीं करनी चाहिए। बोले मरकट मरकट वैराग्य खूब घृणित व्यापार, जो बंदर का जो वैराग्य है, मतलब ऊपर में तो वैराग्य है, अंदर में भोग की स्रोत बह रहे हैं। बोले फल्गु वैराग्य है, फल्गु की नदी होती है, ऊपर में तो देखोगे सूखा सूखा लेकिन अंदर में पानी बह रही है। हाँ, यह जीव के भक्ति पथ है थे छुट्टी कराया अधपति तो करे। अगर ऐसे कोई अगर वैराग्य करता है बंदर जैसे, कहते एक दिन भक्ति से उसको छुटकारा मिली जाती है। महाप्रभु आदर्श और सिख्याई आमादरे ग्रहणीय श्रीमद् महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु के बलिया छेन। इसलिए महाप्रभु जो शिक्षा हम लोगों को दिया है वही शिक्षा अगर अपना जीवन में ग्रहण करेंगे तो हमारे कल्याण होगा। क्या क्या शिक्षा उन्होंने दिया है, बाहर अंदर में एक ही बन करके और शरीर के लिए जितना जरूरत है उतना वस्तु को ग्रहण करो, और ग्रहण कैसे करो, भगवान के चरण में लगा करके ठाकुर को प्रसाद रूप में स्वीकार करो और भगवान की भजन करो। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की, रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। बोलो हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम Thank you.